विद्यार्थी मित्रों, आप सबनो हार्दिक स्वागत छे आपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान शाला नी अंदर। तो मित्रों, आजना आ वीडियो नी अंदर आपणे धोरण 6 हिंदी विषय नी अंदर जे तमारू द्वितीय सत्र नी अंदर पहलू काव्य छे इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य छे तेनु आज आपणे स्वाध्याय पोथीनु संपूर्ण सोल्यूशन आ वीडियो नी अंदर जोईशुं। तो वीडियो तमारे छेल्ले सुधी स्किप कर्या वगर पूरेपूरो जोवानो छे। तो चलो मित्रों, हवे आपणे वीडियो नी शरूआत करीए। तो जोईए कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्रमानुसार लिखिए। एमा पहलो, काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो आवशे डी, दाता के रूप में। बीजो, कवि किसकी रोशनी मांगता है? तो आवशे सी, ज्ञान की। तीजो, दुश्मनी से हमें किसको खो जाने का डर है? तो आवशे बी, खुद के। चौथो, जाने कैसे ये खाली जगह थमी है? तो आवशे धरती। बीजो, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एमा पहलो, मन का खाली जगह कमजोर होना, तो आपसे विश्वास कमजोर होना। बीजो, हर खाली जगह से बचते रहे हम, तो आपसे हर बुराई से। तीजो, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। चौथो, कर दे पावन हर एक मन का कोना। पांचवो, खो न दे खुद को ही खाली जगह से, तो आपसे दुश्मनी से। छठो, बोझ ममता से तू ये उठा ले। नेक्स्ट, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य की पूर्ण कीजिए। तो मित्रों, अहीं साचा जे तमारो साचो जवाब हशे एनी नीचे अंडरलाइन करेली छे, पण तमारे आवी अंडरलाइन करवानी नथी, परंतु तमने जे आगळ जग्या आपेली छे ते जग्याने अंदर साचो जवाब लखवानो छे। एमां पहेलो, भूल कर भी हमसे कोई, तो आवशे क, भूल होना। बीजो, हम सभी को, तो आवशे अ, खुशियों के फूल बाटे। तीजो, ईश्वर की रचना का, तो आवशे ब, अंत नहीं होना चाहिए। चौथो छे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमा पहलो, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। बीजो, आने वाला कल कैसा होगा? तो आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीजो, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। चौथो, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? तो हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवो, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिलता है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठो, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवो, कविता में कैसे जल बहाने की प्रार्थना की गई है और क्यों? तो कविता में करुण का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उसमें हम सबका मन पवित्र बनेगा। आठवो, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। पांचवो छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलो, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो आ प्रश्नों जवाब पण मित्रों तमे जोई सको छो, वीडियो नी अंदर संपूर्ण लखेलो छे, तमे वीडियो स्टॉप करीने लखी सको छो। बीजो छे, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों? तो एनो पण जवाब लखेलो छे। तीजो छे, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो ए प्रश्नों पण संपूर्ण जवाब लखेलो छे। चौथो, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? पांचमो, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? नेक्स्ट, हवे आगळ वधीए तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जे कौंसमां शब्द आप्यो छे तेना वडे, तो राधा पडदे में तेज है लेकिन खेल में नहीं। बीजो, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तीजो, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। चौथो, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। पांचवो, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? छठो, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। सातवो, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। नेक्स्ट, हवे जुए तो तमारे शब्द छे ए शब्द परथी वाक्य बनावाना छे। तो पहलो सुंदर, चार उसका, थोड़ा लाल, तीसरा और पंद्रह। नेक्स्ट, हवे जुए तो बन्ने शब्दों जोड़ी ने जे शब्द बने तेनाथी पूरो शब्द करवानो छे, अने जे पूरो शब्द बने तेनाथी आखू वाक्य बनावानु छे। तो ए पण बनावेलू छे, वीडियो नी अंदर जोई सको छो मित्रों तमे। नवमो जुए कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहलो छे एनो भावार्थ जोईए, तो हम किसी से दुश्मनी न हो,
और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा ना हो। नेक्स्ट हमें बीजे जुए कि अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का कोना पवित्र कर दे। नेक्स्ट हमें जुए तो निम्नलिखित परिचय का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, तो अँ गुजराती में अनुवाद करेलू है, तमे जोई सको छो वार्ता छे ते वार्तानु। आगळ वधीए तो निम्नलिखित बारके अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, तो एना विषे लखेलू है। बीजो है एनो प्रश्न पण प्रश्नों जवाब लखेलो है। नेक्स्ट वे जुए नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए, तो जे आ नदी किनारा जो चित्र है तेनु संपूर्ण वर्णन करेलू है। तो मित्रों आ हतो आपणो धोरण 6 द्वितीय सत्र एटले के भाग 2 हिंदी अंदर जे फर्स्ट काव्य है तमारू इतनी शक्ति हमें देना दाता, तेनु स्वाद्य बुद्धि संपूर्ण सॉल्यूशन। तो मित्रों वीडियो सारो लगे हो तो वीडियो ने लाइक करजो, अने आवाज बीजा स्वाद्य बुद्धि वीडियो मेळवा मांगता हो तो चेनल ने अचूक सब्सक्राइब कर बाजू में आवेल बेल बटन ने ऑल पर प्रेस कर देंजो। तो मित्रों मळीशुं आवता वीडियो साथे, त्यां सुधी आवजो। जय हिंद, जय भारत।